बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। शुरू करती हूँ अपने अल्लाह ताला के नाम के साथ। मैं अपने तमाम नाज़रीन को वेलकम कहती हूँ। उम्मीद है आप लोग हमारे पेश किए गए रिश्तों को पसंद करते होंगे। हमने जितने भी रिश्ते आपके सामने पेश किए हैं, इनमें से कई रिश्ते तय नहीं पा सके। असल में ये सारा किस्मत का खेल होता है। अल्लाह ताला ने जिसका रिश्ता और जिसका जोड़ा जहां बनाया होता है, वो रिश्ता वहीं तय पाता है। आज का रिश्ता भी जो मैं आपके सामने पेश करने लगी हूँ, बहुत अच्छा और आला रिश्ता है। लड़की पढ़ी लिखी और तालीम याफ्ता फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। इस लड़की का नाम आमला है। आमला की रहाइश मुस्तफ़ा टाउन लाहौर में है। कास्ट इनकी शेख है। आमला ने BPIT किया हुआ है। आमला के वालिद साहब प्रोफेसर हैं, मगर अब वो रिटायर हो गए हैं। आमला के दो भाई हैं। आमला दो भाइयों की इकलौती बहन है। इकलौती बहन होने की वजह से सब घर वालों की बहुत लाडली हैं। आमला जॉब भी करती हैं। ये लाहौर के कॉलेज के अंदर लेक्चरार हैं। आमला के वालिद साहब भी प्रोफेसर रिटायर हुए थे। आमला एक घरेलू लड़की है। घर के कामकाज करने में आमला का कोई सानी नहीं। ये अपनी मसाल आप हैं। बड़े अच्छे तरीके से घर के तमाम काम अपने हाथों से बड़ी खुशी से करती हैं। जॉब करने के साथ साथ घर को भी संभालती हैं। काफ़ी खूबसूरत और समझदार लड़की हैं। आमला का एक भाई ने इंजीनियरिंग की हुई है और एक अच्छी जगह पर जॉब भी करते हैं। आमला का दूसरा भाई छोटा है और अभी तालीम हासिल कर रहा है। आमला की फैमिली इतनी बड़ी नहीं, सिर्फ दो भाई और एक बहन और दो इनके वालदैन हैं। मुझे ज़ाती तौर पर आमला का रिश्ता बड़ा अच्छा और माकूल रिश्ता लगता है। लड़की भी किसी किस्म की कोई ख़राबी या खामी वगैरह कतई नहीं है। इस तरह का रिश्ता और इतने अच्छे शरीफ लोग कम ही होते हैं। आप में से जो लोग भी इस रिश्ते को अपनाना चाहते हैं, वो हमसे रابطہ कर सकते हैं। इसके साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।